पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सर ना आपके मिथ तोड़ते हैं, आपके अंदर जो ये होता है ना, ये करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये क्या इनसे ज्यादा अच्छे से तो मैं कर सकती हूँ, मतलब हम सर को भी मन में चैलेंज देते हैं। तो अंदर से मेरे चैलेंज चल रहा था कि ये क्या बात कर रहा है, 10 मिनट तो मेरे से 15 मिनट करवा लो, आधा घंटा, मैं तो आंखें बंद करने में मास्टर हूँ। तो वो जो आपका असल में आप मास्टर हैं या नहीं है वो सर आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरी यात्रा पत्री जी के साथ शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज मैं पुनः उपस्थित हूँ विभा गुप्ता जी के साथ उनकी यात्रा का अनुभव जानने के लिए, पत्री जी के साथ बिताए गए समय को जानने के लिए, और मैं स्वागत करती हूँ विभा गुप्ता जी का। मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आप बता रहे थे कि आप पत्री जी के लिए आप खाना बनाते थे और उनको वो बहुत पसंद आता था, तो पत्री जी स्वयं भी तो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, तो ऐसा कोई अनुभव जो उन्होंने आपको खाना बना के खिलाया हो, आपने शेयर किया हो। मैडम सर के हाथ का खाना बहुत बार खाने का सौभाग्य मिला हमको, क्योंकि जैसे हम पठानकोट गए तो सर हम सब बहुत थके हुए थे, क्योंकि सुबह से ऑफ कोर्स पत्री सर के साथ, अकेले नहीं, पत्री सर के साथ सुबह से हम सेशंस में थे जी, तो अगर हम थके हुए थे तो पत्री सर भी तो थके हुए थे, पर सर को पता था कि अब डिनर टाइम हो रहा है तो सर सीधे किचन में गए और हम सब थके हुए थे, हम सब बैठ गए, हमारे साथ और भी मास्टर्स थे, हम सब ऐसे बैठ गए कि भाई अब ना हो पाई, अब हमसे नहीं बनेगा खाना, बनाओ बनाओ, नहीं बनाओ नहीं बनाओ, पर हमसे ना हो पाई, पर सर चले गए सीधे किचन में। अब जब सर चले गए तो थोड़ा सा मन में आया कि भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि सर अकेले थोड़ी बनाएंगे, सही बात है। तो हम लोग गए तो सर ने कैबेज बनाया और ये स्पिनच की दाल बनाई, तो सर ने उस दिन बताया कि कैसे काटना है, और सर ने उस समय की भी, मैं आपको अपनी डांट की ही बात बताती हूँ, कि सर ना पहले कैबेज को उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी सब्जी बनाते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं, पानी सबको सूप की तरह पिला देते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। तो सर ने बिल्कुल भिगोना भर लिया और हमारी एक यंग मास्टर है, छोटी सी उम्र की थी, 14-15 साल की उस समय, तो उसको कहा कि तुम इसको स्टिर करो, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टिर करेगी तो कहीं इसके ऊपर छींट ना आ जाए, ये जो हम लोगों के माओ के मन में या बड़ों के मन में ये भावना रहती है कि हमें ज़्यादा समझ है। तो मैंने उस बच्ची के हाथ से कड़छी लेकर मैंने कहा ला मैं चलाती हूँ। इतनी डांट पड़ी सर से, इतनी डांट पड़ी। आप अपने आप को क्या समझती हो, आप बहुत स्मार्ट हो, सब सिर्फ आप ही को आता है काम करना और किसी को नहीं आता। भाई साहब सॉरी सॉरी करती रही, पर सर ने जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा दिया ना अपनी डांट का, तब तक सर डांटते रहे। मतलब सर इतनी आगे तक डांट देते हैं कि आप फिर ज़िंदगी में कभी वो गलती नहीं करते, दोबारा ना हो पाए ऐसा। क्योंकि सर ने उस दिन ये समझाया कि हमारे मन में ये भावना रहती है कि हम बड़े हैं, हमको ज़्यादा समझ है, या बड़े नहीं भी हैं, बराबर के भी हैं या छोटे भी हैं, तो हमको ज़्यादा समझ है, इसको समझ नहीं है। वो जो भावना थी वो सर ने मेरी निकाल दी उससे, उस डांट ने वो निकाल दी। सर की हर डांट कुछ ना कुछ आपके अंदर से जो आपका नेगेटिव है वो निकाल के, उसके जब नेगेटिव की जगह खाली हो जाएगी तो उसमें पॉजिटिव ही भरेगा ना, या मिराकुलस भरेगा, बल्कि पॉजिटिव भी नहीं कहती मैं तो, ये कहती हूँ कि सर के हर बात से मिराकुलस पॉइंट्स हमारे अंदर ऐड हो जाया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी भावना मेरे अंदर से उस दिन निकल गई कि मुझे बहुत कुछ आता है, सभी को सब कुछ आता है, सर ये बताना चाहते हैं, चाहे वो छोटा मास्टर ही क्यों ना हो। यस सर, ये बताना चाहते हैं कि आप मौका तो दीजिए, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ पर हो और वो कहाँ पर है। आप जब उसको मौका ही नहीं देंगे तो नेचुरली जब मैं ही बोलती रहूंगी या मैं ही काम करती रहूंगी या मैं ही सब कुछ करती रहूंगी तो सामने वाले को मौका कैसे मिलेगा। हम सब जानते हैं कि स्टेज जितना बढ़िया सर ऑर्गेनाइज कर सकते थे, जितने बढ़िया सर स्पीकर थे, उतना कोई हो नहीं सकता। पर सर को आप देखिए ना, तो सर स्टेज इशारे से ऑर्गेनाइज करते थे, आंखों के इशारे से, फिजिकली आपको नहीं दिखेगा, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता कि सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर इतने बढ़िया स्पीकर थे, पर आपको, आप जैसे ही आप मिलेंगी सर से, आप
अभी पहला घंटा ही है आपका ध्यान का। सर कहेंगे अच्छा आप ध्यान कर रही हो, एक घंटे से ध्यान कर रही हो, स्टेज पे बताओ सबको। आपको नहीं आता, स्टेज पे चढ़ना भी नहीं आता है, फिर भी सर आपसे कहेंगे स्टेज पे, और आप देखेंगी कि आप सर को देखते रहिए और आप स्टेज पर चढ़ जाइए, आप में ताकत आ जाएगी, आप बोलना सीख जाएंगी, और फिर आप स्टेज को इतने अच्छे से मैनेज कर पाएंगी कि अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाएंगे उसमें। ये सर आपके अंदर की क्वालिटीज़ को ना बाहर निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, आप कुछ सोच रहे हैं और सर वो आपको पहले से बता के बुला। ये मेरे साथ हुआ। ऐसा कोई आप वाकया बताइए। हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ जी। हम विशाखापट्टनम हो आए थे जी जी। उसके बाद सर का एक प्रोग्राम था यही साउथ दिल्ली में ही, तो पर तब भी हम बिल्कुल नए थे, हम मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ शेयर करने को हमारे पास सर के लिए कुछ था, पर मैंने देखा कि सर को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है और सर कुछ ना कोई सब अपने एक्सपीरियंस में, तो मैं बहुत दूर को खड़ी थी, पर मैं जाकर वहाँ चली गई देखने के लिए कि सब क्या कर रहे हैं। तो मैंने बहुत दूर से बोला, बहुत दूर से और बहुत धीरे से बोला, सर मैं भी गई थी विशाखापट्टनम। सर ने सुन लिया, इतनी भीड़ में सर ने मेरा को सुन लिया और सर ने मेरा हाथ पकड़े और पकड़ के मेरे को एक चेयर पर ले जाकर बैठा दिया और कहा आप भी विशाखापट्टनम गई थी, कैसा लगा आपको, कैसा, जैसे नहीं कोई बच्चा नहीं पूछता कैसा लगा आपको, आप वहाँ गई थी, आप गार्डन में घूमने गई थी, आपको कैसा लगा वहाँ, इस तरीके से सर मुझसे बोल। मुझे बड़ा अजीब लगा, कैसे पूछ रहे हैं, पर तब मैं अभी तक इम्प्रेस नहीं हुई थी सर से, बिल्कुल भी नहीं इम्प्रेस हुई। इतने में क्या हुआ, हमारी चेयर्स के पीछे काफ़ी जगह थी तो कुछ लोग उस चेयर के पीछे से निकले और वो सर से उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम का मतलब अपना कोई इशू सर से शेयर करा कि सर मुझे ये इशू है, तो मेरे अंदर आया, क्योंकि मैं जब तक इम्प्रेस नहीं हुई थी सर से, मेरे मन में ये आया कि क्या पूछ रही हैं इनसे, ये तो एक साधारण आदमी है, साधारण आदमी क्या बताएगा, क्योंकि सर की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है, सर बात बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो मेरे मन में ये भावना आई, मन में आई, मुझसे बुदबुदाई भी नहीं हूँ कि किसी ने फुसफुसाहट सुन ली हो, और एकदम सर मैं साधारण आदमी हूँ ना मैडम, मुझे क्या पता। मैं हैरान रह गई कि ये हमारे अंदर का जान सकते हैं, तो बाहर का सोचिए कि क्या क्या जान गए होंगे। उस दिन पहली बार मुझे सर का मतलब मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई, मैं ठंडी पड़ गई, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ सर की पहली, जैसे पहली छुअन होती है ना, वो जो दिल को छूती है, वो पहली छुअन जो कहते हैं ना, पहला प्यार, पहली छुअन, वो एहसास मुझे उस दिन हुआ जी जी। और उसने मुझे अंदर तक हिला दिया और उसके बाद तो वो सर हिलाते ही चले गए, हिलाते ही चले गए। तो सर के साथ ना ऐसे बहुत सारे, ऐसे ही एक बार हम लोग नैनीताल गए, सर ने हमसे टाटा बाय बाय करी कि बस मेरा मेरे को जाना है, अब आगे मैं जा रहा हूँ। सब सारे हम बहुत सारे मास्टर्स से हम सर के साथ टूर पे गए थे, सर ने सबसे टाटा बाय बाय करी और सर चले गए। हम लोग नकुचिया ताल में ठहरे हुए थे, तो हम लोग वहाँ जाकर हम नकुचिया ताल पहुँच गए। इतने में देखे तो सर की गाड़ी वापस आ गई। सर आप तो चले गए थे, आप कैसे वापस आ गए? तो हमारे साथ एक मास्टर थी शीला मेहता, वो सर से बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, मतलब उनकी तो शायद जर्नी 25-30-35 साल पुरानी होगी सर के साथ, तो वो सर को बहुत अच्छे से जानती है। उन दिनों IPL चल रहे थे और सर को क्रिकेट का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। तो कह लें सर आज हैदराबाद का मैच है, आप इसलिए नहीं गए हो ना? सर कह नहीं, हैदराबाद से मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो कुछ नहीं। कह रहे मैं सब जानती हूँ, आप हैदराबाद की वजह से नहीं गए आज हैदराबाद। तो आप देखिए कि एक बच्चे की तरीके से, जैसे बच्चा नहीं होता कि वो वापस आ जाता है, वो काम नहीं करता कि आज तो मेरा शो आ रहा है या मेरे को ये चीज़ पसंद है या आज वो है, इस तरीके से तो वो ऐसे भी बिहेव करते थे सर। मतलब उन्होंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया और उन्होंने आपको भी बताया, हम सबको बताया, सारे मास्टर्स को, कि अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए, क्योंकि बच्चा, क्योंकि जीसस ने कहा ना कि अगर आप बच्चे होंगे तो उसके किंगडम में एंटर करेंगे। तो इसलिए सर ने अपने बच्चे को भी नहीं मरने दिया और हम सब से भी यही हमको समझाया कि अपने बच्चे को मत मरने दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को, इनर चाइल्ड, यस, वो रहने दीजिए उसको सदा जिंदा। जब वो जिंदा रहेगा ना तो वो आपसे कुछ ना कुछ अच्छा करवाता रहेगा, क्योंकि उसमें भोलापन होता है। मैडम एक बार हम लोग चंडीगढ़ में थे ऐसे सर के साथ, तो उस दिन सर ही होस्ट कर रहे थे पूरे स्टेज को। तो अब आप किसी गुरु से क्या उम्मीद करेंगी, गुरु से उम्मीद करेंगी वो क्योंकि सर फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट बजाएंगे, कोई भजन सुनाएंगे, कोई प्रवचन करेंगे। तो हमारा सुबह से वर्कशॉप वगैरह चल रही थी, फिर सर कुछ करने लगे और मैडम बताएं आपको सर ने क्या उस समय एकदम गाना शुरू कर दिया, कांची रे प्यार मेरा जागो,
और पूरा हॉल हंसी से गूंज गया और सब इतने खुश हो गए कि उनको जैसे मरे हुए को जिंदा कर दिया सर ने, कि मैं यहाँ केवल प्रवचन करने नहीं आया, कहें क्यों जियो ना, ये भी तो गाने हैं, ये भी तो गाने मजे करने वाले हैं। और सर ने पूरा गाना फ्लूट से भी और गाने आवाज से भी मतलब गाकर भी पूरा सुनाया और सबसे खूब मजे करवाए। तो सर इस तरीके के सर मतलब आपके अंदर से कुछ मरने नहीं देना चाहते, अंदर के कलाकार को जीवित रखवाना चाहते हैं। वो कहते रहो, जिंदा रहो, और जिंदा कौन रहेगा, यूं तो सभी जिंदा है, जो सांसें ले रहा है वो सब जिंदा है, पर असल में क्या आप जिंदा हो? जब तक आप जी नहीं रहे हर पल को, तो सर ने ना हमको हर पल को जीना सिखाया कि पलों को जिया कैसे जाता है। और एक होता है जीना मर खप के जीना, कि मेरे साथ मेरे को आज उसने ये कह दिया, या मेरे को फाइनेंशियल ये हो गया, या मेरे बिजनेस में ये हो गया, या मेरे को रिलेशन में ये हो गया, या मेरे को मकान की परेशानी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। सर ने ये समझाया हमको कि ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में आ गए तो आपके जीवन में कोई इशू नहीं आएगा, इशू तो आते रहेंगे, पर आपको उनको फेस करना आना चाहिए। एग्जामिनेशंस टिल एंड तक कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो स्कूल के होते हैं एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाते हैं, जीवन के एग्ज़ाम्स कभी ख़त्म नहीं होते, वो थ्रू आउट चलते रहेंगे, पर आपको उनको करना अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कि आया है कोई बात नहीं, करेंगे ना, ये करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आपके घर में, आपके परिवार में इस ध्यान से और पत्री जी के आने से क्या बदलाव आया आपके जीवन में? मैडम ध्यान में आने के बाद सबसे बड़ा जो मेरे अंदर बदलाव आया, या मेरे घर में आप कहना चाहेंगी, कि बच्चों से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। ऑल्दो अच्छा था हमारे घर में रिलेशन, क्योंकि हमारी सास के साथ हमारा फ्रेंडली ही, मतलब जैसे सर हमेशा कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं मालूम, शायद जो सर ने कहा कि आप पिछले जन्मों से हो, तो हो सकता है मेरे अंदर ये बीज पहले ही हो, क्योंकि मैं हर रिलेशनशिप में शुरू से ही अपनी मदर इन लॉ से, अपने ब्रदर इन लॉ से सबसे कहती थी कि रिलेशन हमारा जो भी है पर उसमें फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ्रेंड नहीं है तो आपका रिलेशन नहीं है। ये मैं बात ध्यान में तो दूर दूर तक नहीं थी मैं उस समय, मैं मतलब शुरू से ही ये बात कहा करती थी, तो मेरा रिलेशन हर एक के साथ फ्रेंडली था, पर क्या असल में उतना फ्रेंडली था वो मैंने ध्यान में आने के बाद जाना। अब आप विश्वास मानिए कि मेरी दो दो बहुएं हैं, बेटे हैं, सब हैं, पूरा परिवार है, पर सब ना अपने भी घर की बातें मेरे से कर लिया करते हैं, बच्चे अपने मतलब बेटे भी अपनी वो बातें मुझसे शेयर कर लेते हैं जो शायद जनरल में वो अपनी मदर से कोई नहीं करता होगा, अपने फ्रेंड्स की, इधर की उधर की जो भी बातें उनको, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के पास आजकल क्या क्या होता है, पर वो सबको शेयर कर लेते हैं, बहुएं भी शेयर कर लेती हैं, कि वो अपने परिवार की, अपने मायके की भी बातें मुझसे शेयर कर लेती हैं। तो इतना हेल्दी जब रिलेशनशिप कैसे बना? ध्यान से पत्री जी के साथ से, क्योंकि पत्री सर के साथ ने ना हमें बहुत कुछ सिखा दिया, उनका हर मतलब ना, आप बैठे हैं, आपके कोई भी इशू तो देखिए लाइफ में आते ही रहते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के, तो आपको सर ने ना आपको सिखा दिया, उनके रील आ जाएगी आपके सामने, कोई भी जो आजकल दो दो मिनट की, एक एक मिनट की रील्स जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर चल रही हैं, और उसको आपसे पता चल जाता है आपको कि अरे अच्छा मेरे सवाल का ये जवाब, सर खुद नहीं आ रहे हैं मुझे जवाब देने के लिए, पर सर आ जाते हैं। बहुत सुंदर, मतलब सर कैसे आ जाते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कई बार कि सर कैसे आ गए, सर को कैसे, सर के यहीं बैठे हैं क्या, कई बार तो ऐसा लगता है कि अरे सर मुंह से बोलने तो दो पूरी बात, इतने तो आपने पूरी भी कर दी। आपको बताएं, हम अपना ही एक वाक्य बताऊं मैं आपको, कि मेरा बेटा आज से 2.5 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले एक तरीके से, इन्हीं दिनों की बात है, उसने मुझको कहा कि मम्मी मैं ना अब्रॉड जा रहा हूँ, और मैं शुरू से कहती थी कि बच्चों को दूर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को दूर जाएंगे, मैं मतलब ये इस बात से ही मैं रोने लगती थी कि पढ़ रहे हैं, ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं दूर नहीं जाना है।
तो जब उसने बताया तो आप सोचिए कि मेरी गंगा जमुना तो बहन ही थी, क्योंकि मैं तो शुरू से ये बात कहती थी। और वो समझाए जाए, पर वो समझाना क्या होता है, जा रहा है तो जा रहा है, मीन्स तो मना नहीं कर रही हूँ मैं उसको कि तू मत जा, पर मैं रोई जा रही हूँ। दो तीन दिन मैं बहुत रोती रही। कहाँ से आया, किसने करा? शायद पत्री सर, शायद नहीं कहना चाहिए मुझे, गलत बात बोली मैंने, मुझसे सॉरी। पत्री सर ने मुझे अंदर से समझा दिया कि तेरे पास जो पल हैं तू उसको क्या कर रही है। मैं रोई जा रही थी जब भी वो बताता था, अंदर से पत्री सर आए, पत्री सर ने मुझे समझाया कि तू इन पलों का क्या कर रही है, वो जाएगा जब जाएगा, अभी क्या, अभी तो तेरे पास है ना, फिर तू रो क्यों रही है, इन पलों को तो जी ले। और मैडम आप बिलीव कीजिए मेरे आंसू ऐसे हो गए जैसे सूख गए। टिल एंड जिस दिन वो मतलब उसकी कैब आ गई थी तब तक मेरी आंखें नहीं भरी। मैंने अपने आप को कहा कि वो सूटकेस मेरे सामने बैठकर तैयार कर रहा है और मैं उसको बस सिर्फ देख रही हूँ, चाहे मैं अब मेरी आवाज़ भारी हो रही है पर उस समय नहीं हुई, कि नहीं मुझे जीना है, ये पल जीने हैं जो इस समय मेरे पास हैं, फिर ये पल नहीं लौट कर आएंगे, पता नहीं फिर ये कितने दिन में आएगा, तो इन पलों को क्यों मैं। तो सर ने ना वो जो पल जीना सिखाया ना मैडम हमें, वो सर की करामात है। मेरे अंदर इतना संबल नहीं है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ इमोशनली फिजिकल, कैसे भी मजबूत नहीं हूँ मैं, बहुत ही टिमिड सी हूँ, पर सर ने मजबूत बना दिया। सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये जो इतनी इमोशनल है, रहती है हर वक्त हर बात में, इसके आंसू टपक जाते हैं और बच्चा इसका जा रहा है, और ये कोई पूछता भी मुझसे, मैं कहती नहीं मुझे ये पल जीने हैं इसके साथ के, ये पल नहीं लौटेंगे फिर, और ये पल मैं रोकर नहीं गंवाऊंगी, मुझे रोना नहीं है फिर, मैं तो गंवा ही दूंगी। तो ये कहाँ से आया, ये कहीं से नहीं आई, ये मेरे अंदर की उपज नहीं है मैडम, ये पत्री सर की उपज है। ये जो आप देख रही हैं विभा गुप्ता, ये जन्म मुझे किसी ने दिया, पाला बड़ा करा सब कुछ करा, शादी हुई सब बहुत अच्छे, पर जो आज विभा गुप्ता है ये केवल पत्री सर की बनाई हुई है। तो जो पत्री जी सर हैं उनकी चेतना का बहुत विस्तार है, ऐसे बहुत से पिरामिड मास्टर्स भी बताते हैं कि बहुत बार उन्होंने वो सब महसूस किया जो पत्री जी देखने में नहीं लगते थे। तो पत्री जी की चेतना का विस्तार आपने कभी महसूस किया, और वो कब किया, कैसे किया? चेतना का विस्तार उनका ऐसा मैंने महसूस करा, एक बार शास्त्री जी के यहाँ ही सर आए हुए थे, तो सर की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो सर बैठे हुए थे सोफे पर बैठे हुए थे, और मैं सर के बराबर में सर के नीचे पास में बैठी हुई थी। तो ऐसे ही मैंने सर का, जैसे हाथ सर से मिलाते हैं ना, तो सर को मैंने अपना हाथ दिया, सर से हाथ मिलाया, और सर ने वो हाथ मेरा पकड़ लिया। और आप बिलीव कीजिए, सर को कोई खाना दे रहा है, सर से कोई हाथ मिला रहा है, सर से, अब सर हैं तो सर के साथ तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा ना, वो इतनी देर में सर ने थोड़ी देर मेडिटेशन भी करवाई थी उस समय जाते हुए, और सर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ सर ने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से सर काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, कुछ काम करना है, कुछ सिग्नेचर करना है, मतलब सर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और सर वो सब कुछ करे जा रहे हैं। और मैं तो, आप सोची कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं सर हाथ पकड़ के क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं समझ पा रही, मैं उस समय जीरो स्टेट में थी जी, मुझे समझने के लिए कुछ था ही नहीं उस समय, मैं बिल्कुल जीरो थी, तो मैं तो बस खो चुकी थी, मैं वहां दिख रही थी देखने वालों को पर मैं वहां नहीं थी। और पता नहीं वो कितना लंबा स्ट्रेच था, मुझे नहीं मालूम। जनरली अगर कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ के रखेगा, आपके ये भी शोल्डर्स भी दुखने चाहिए, हाथ भी दुखना चाहिए, जो हाथ उसने पकड़ रखा है, चाहे सॉफ्टली पकड़ रखा है पर इतनी देर तक पकड़ तो रखा है, कहीं तो कुछ होता, कुछ नहीं, सब कुछ जीरो हो चुका था उस समय। शायद कोई मेरे इंजेक्शन भी मारता ना तो, और वो चाहता कि मैं खून निकाल लूँ तो उसको मिलता नहीं, कोई मुझे चाकू भी मार देता तो उसको कुछ नहीं पता, मैं मतलब आ भी नहीं करती क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ पर। और जब सर जाने के लिए उठे और जब सर ने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं तो ऐसी बैठी रह गई जैसे मैं हूँ, क्या करूँ। और उसके बाद सर चले गए,
सब बैठे रहे क्योंकि हम बहुत लोग वहाँ उस समय शास्त्री सर के घर में थे, हम बहुत लोग थे और सब मुझसे पूछ रहे कुछ एक्सपीरियंस बताओ आपके पास। मैं सबको इशारे से बोल रही, बोला ही नहीं जा रहा, मैं चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रही, मैं आज भी आपको बता नहीं सकती। वो अनुभव, वो अनुभव अनुभूति, वो अलौकिक वाला अनुभूति, जो वो मुझे किस लोक में ले गए, कहाँ ले गए, इसी लोक में थी मैं, किसी और लोक में थी, थी भी कि नहीं थी, जिंदा थी कि मरी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस केवल ये पता है कि सर ने मेरा हाथ थामा हुआ था, बस दैट्स ऑल। तो और कैसे विस्तार का पता चलेगा, कहीं कुछ और है ही नहीं, बस है तो तू है और कुछ भी नहीं। तो सर के साथ मैं बताऊं, सर मेरे फ्रेंड, पर मैंने सर, और पता नहीं मेरा शुरू से सर के साथ एक ऐसा रिलेशन रहा, जैसे सब कहते हैं कि हम डरते थे, डरते हैं, सर से डर लगता है, या हम शुरू में नहीं, पर मेरा शुरू से ही सर के साथ कुछ ऐसा रहा कि मैं कभी भी सर से ना घबराई नहीं, मैं शुरू से ही जो भी कुछ शेयर करना है मैं बिंदास सर से शेयर करती थी, बिंदास। मुझे ये नहीं होता था कि ये शेयर करते हुए सर क्या सोचेंगे। आपको बताएं, एक बार मेरी, मैं आपको बताऊं, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, दुनिया की कुछ ही मदर इन लॉज में से एक मदर इन लॉ है, इतनी बढ़िया लेडी है, पर घर है, गृहस्थी में सब कुछ चलता रहता है। तो बीच में एक पीरियड ऐसा आया था जिसमें मेरा उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो मन में कभी भी, जब आपको किसी से कुछ बात हो जाती ना तो उसके लिए कभी अच्छे विचार नहीं आते, और मेरे मन में लगातार बुरे विचार आ रहे थे उसे, और मैं बहुत परेशान थी उन विचारों से अपने, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन विचारों का। और विचार ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, खाने की चीज़ आप उसको सरका देंगी कि भाई मेरे को मंगौड़ी नहीं खानी, मेरे को कड़ी नहीं खानी, आप हटा लो मेरे आगे से, पनीर नहीं खाना हटा लो मेरे आगे से, पर विचारों का क्या करूं, वो तो आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, हटा रही हूँ पर नहीं हट रहे हैं, वो तो आ रहे हैं। बड़ी परेशान हो गई। देखिए फिर सर ने मेरी मदद करी, सर आ गए। उन दिनों वसंता शास्त्री जी के यहाँ आते थे, शास्त्री सर के यहाँ आते थे, तो सर लेटे हुए थे, तो मैं दूर को बैठी हुई थी, मैं भाग कर गई सर के पास, मैंने कहा सर एक क्वेश्चन, उस समय कोई नहीं था, एक ही लेडी बैठी हुई थी ऐसी सोफे, तो मैंने कहा सर एक क्वेश्चन पूछना, पूछ लूँ, सर से पूछते थे हम पूछने से पहले एक बार सर से, तो सर कहले हाँ बोलो। मैंने कहा सर अगर किसी के लिए मन में बुरी भावना आए तो उसका क्या करें, और कहते कहते मैंने बोल दिया कि ये बुरी भावना मेरे मन में मेरी सास के प्रति आ रही है, मैंने वो बात भी नहीं छुपा सकी, मतलब आप देखिए कि आप चाहें भी छुपाना तो छुपा नहीं पाते सर से, मैंने बता दिया, मैंने कहा सर मैं, और वो मेरी सास है, मैंने कहा मैं आपसे क्या छुपाऊँ, वो मेरी सास के लिए मेरे मन में आ रहा है इसलिए। तो उन्होंने कहा तो आप क्या कर रही हैं फिर, कुछ बुरा कर रही हैं उनके साथ, मैंने कहा नहीं कर कुछ नहीं रही पर मन में आ रहा है। कहेंगे आप एक बात सोचो, आप किसी का मर्डर करने की सोच रही हो और आपने मर्डर करा नहीं, तो क्या पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी? मैं कह नहीं सर, कहले बस भावना ही तो आ रही है ना, कर तो नहीं रही ना बुरा, कहले भावना का कुछ नहीं, भावना को जाने दो, अपने आप ठीक। और मैडम उसके बाद वो भावना ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस कर दी, सर ने ख़त्म करवा दी वो, पर मैं सर से वो, और मैं आज मीडिया पर ये बात बोल रही हूँ, चैनल पर बोल रही हूँ, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं कि इसके मन में अपनी सास के लिए गलत भावना आई थी, आई थी तो आई थी, सर ने कहा आ रही है तो आने दो, उसको भी फेस करो, भावना है ना उसको फिर धीरे धीरे खत्म करो। और उन्होंने ये भी मुझे समझाया कि आप गलत तो नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे कि गलत तो नहीं कर रही, मैंने कहा नहीं गलत नहीं कर रही, बस बेटी। तो सर आपको इतना इजी कर देते हैं, मतलब आपका करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचने, सोचने से ज्यादा। सोच तो पता नहीं आदमी क्या करे, यहाँ बैठे बैठे सोचता है अमरीका चला जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ अमेरिका का, सोचने से तो नहीं हो जाता ना, करने से करने होता है। से होता है, सही है। तो वो सर ने हमको समझाया मेरे को उस दिन कि करो, करना इम्पोर्टेंट है, और अगर बुरा है तो करो मत, अच्छा है तो करो। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, बहुत सही है। तो पत्री सर, जैसे पिरामिड, जैसा हमारा नाम ये PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, तो पिरामिड ऊर्जा के बारे में बहुत बात करते थे जी। तो आप, आपने भी इसको अनुभव किया होगा पत्री सर के साथ? बहुत ज़्यादा,
हम लोग एक बार पठानकोट के टूर पर थे सर के साथ, तो जहाँ मैं और मेरा हस्बैंड ठहरे थे वो एक मेस थी, मतलब एक ऐसी होटल टाइप था, पर वो सेना का ही था, तो वो बंद करके ना लॉक करके चले जाते थे। वो हमसे पूछ गए थे सब सामान कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, और फिर वो लॉक करके, और ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर इधर उधर कोई नहीं था हमारे, हम सिर्फ अकेले थे उसमें। तो मैडम मेरे पेट में दर्द हो गया, और मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि दर्द कहे आज ही होऊंगा ज़िंदगी में, फिर शायद कभी होऊं या नहीं होऊं, बचने दूंगा तुम्हें या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। और दर्द मेरे को समझ में ना आए, जो चूरन वूरन जो हमारे पास थे, हम आवाज़ किसी को दे नहीं सकते थे वहाँ पर, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, और रात के 2-3 बजे आप किसको डिस्टर्ब करेंगे, नया शहर है, आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं आप कर सकते, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। इतने में मेरे हस्बैंड को दिमाग में आया, कह लेंगे यार हमारे पास पिरामिड रखी है ना, तुम पिरामिड रख लो अपने पेट पर। मैडम वो पिरामिड मैंने अपने पेट पर रखा, और मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। ठीक हो गया, ठीक, मैं सो गई मीन्स मेरा दर्द ठीक हो गया, तभी तो मैं सो गई। सही बात है। और 4x4 का कॉपर का पिरामिड था, वो मैंने अपने पेट पर रखा और मैं सो गई, मेरे को नींद आ गई, और मैं तड़प रही थी उससे पहले, गर्म पानी भी पिला दिया, जो इनके पास था, जो चूरन पूरन हम थोड़ा बहुत ले लेकर चलते हैं, वो सब काम किसी ने कुछ काम नहीं करा। तो ये चमत्कार ना ध्यान, मैं पिरामिड के साथ ये बात जरूर जोड़ना चाहूँगी कि फ्रेंड्स केवल पिरामिड्स पर बेस मत रहिए, पिरामिड के साथ जब आप ध्यान करेंगे ना, तो पिरामिड जो 3 times ज़्यादा एनर्जी देता है ना, पता नहीं कितने टाइम्स ज़्यादा आपको दे देगा, पर ध्यान आपको साथ में करना ही पड़ेगा। सही बात है। सिर्फ पिरामिड पर अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ पिरामिड से मैं अपना सब काम चला लूं, तो वो मुझे नहीं मालूम कि वो होगा या नहीं, पर हाँ ध्यान के साथ मिलकर वो 100% होगा। पिरामिड ऊर्जा ने तो कमाल ही कर दिया, आपका पेट का दर्द बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर दूसरे दिन आपने पत्री जी के साथ शेयर किया ये अनुभव, कि पत्री जी का कुछ? देखिए सर के साथ ना ऐसे शेयर नहीं किया जाता था कि आप सर, जैसे हम जनरली होता है ना कि अपनी मम्मी को बता रहे हैं या भाई को या हस्बैंड को कि अरे कल रात को मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हम लोग नहीं शेयर करते थे। तो मॉर्निंग में जब हम गए सर के पास, तो ब्रेकफास्ट हम लोगों को फिर आगे लुधियाना जाना था, और अमृतसर जाना था, फिर लुधियाना जाना था हमको। तो हम लोग सुबह हमको निकल जाना था, तो ये था कि भाई सर ब्रेकफास्ट करके ही थोड़ा सा जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट बना हुआ था, तो सर को ब्रेकफास्ट दिया और सभी मास्टर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो तब मैंने मना किया कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पेट में रात को भी बहुत दर्द था, तो मैं नहीं करूँगी। सर ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, ओके हो गया। फिर हम अमृतसर पहुँचे दोपहर में, तो वहाँ आलू का पराठा और ढोकला उन्होंने बना रखा था वर्षा मैम ने, तो हम लोगों ने तो थोड़ा सा खाया, तब भी उसके बाद हम हरमंदिर साहिब गए स्वर्ण मंदिर देखने, तो कुछ नहीं, ठीक है क्या है तुमको, कुछ नहीं, सर का कोई रिएक्शन नहीं। रात को फिर हम वापस, जब हम अपने आगे लुधियाना हमको जाना था, तो मेरे से तब भी खाना नहीं खाया गया, मैंने परोसा और मेरे से खाया ही नहीं गया थोड़ा सा भी, कुछ नहीं, सर को तो नहीं कोई भी बता रहा है। तो जब हम स्टेयर्स उतर रहे, तो जैसे एक बच्चा नहीं होता चिढ़ाता है इस तरीके से, हमने तो बड़े मजे से खाना खाया, हमें तो बहुत मजा आया, है ना मैडम जी, आपने नहीं कुछ खाया? तो मैंने कहा सर हमने कुछ नहीं खाया, पर हमने मजे तो पूरा ही लिया है ना आपके साथ के। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, वो सब नोटिस कर रहे थे, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते आराम से जब तक जरूरत नहीं होती, फिर उन्होंने उसको खेल में रिस्पॉन्ड करा। और मैडम सेम तरीके से जब हम लुधियाना पहुँचे, लुधियाना खाना सर्व हो रहा था डिनर टाइम में, तो सब जैसे मास्टर्स एक दूसरे को कह रहे थे, तो उसको भी कई मास्टर्स ने कहा कि आइए मैडम खाना खा लीजिए। मैडम जैसे एक मदर होती है, एक फादर होता है, ग्रैंड फादर होता है ना, जो बच्चे की केयर करता है, इतने प्यारे तरीके, मैं आपको वो तरीका, मेरे को बोलना नहीं आएगा उस तरीके से, सर ने ना बड़े ही प्यार से कहा नहीं आप प्लीज़ इसको कुछ मत कहिए, इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसके पेट में दर्द। वो जो लहजा था, वो लहजा मेरे में नहीं आ पा रहा, मैं आपको समझा नहीं पा रही कि वो, मैं मैडम निहाल हो गई,
जैसे कहते हैं ना कि मेरे से आज तुम सब कुछ लूट लो, बस ये पल मेरे पास सदा के लिए रखे रहने दो, वो वाला हाल वो पल है आपके पास, आज भी आप उसको फील कर पा रहे हैं। वो मैं फील कर पा रही हूँ कि कितने प्यारे तरीके से सर ने मुझको, मतलब सबको कह दिया नहीं इसकी तबीयत, मतलब मैंने आके सबसे शेयर करा कि सर को मेरी केयर थी। कितनी चिंता है सर, शो नहीं करते सर, ऐसे आपको नहीं कहेंगे अरे आपके क्या पैर में दर्द है, अच्छा यहाँ ये कर लो वो कर लो, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, वो आराम से जब जरूरत होगी, जब आपको जैसी चीज चाहिए, सर एक ऐसे संत हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे महात्मा हैं कि जब आपको जिस चीज की जरूरत है ना वो चीज आपको मिल जाएगी। तो सर ना हमारी जिंदगी में ऐसे पल बहुत सारे पिरो दिए, वो इतनी बड़ी माला है ना मैडम उन पलों की हमारे पास, कि मैं अगर बताती जाऊंगी ना तो दिन से रात और रात से दिन हो जाएगा। आपके अनुभव सुन के तो मुझे लग रहा है मैं सुनती रहूं आपके इस यात्रा को। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, सर के साथ ना इतने प्यारे पल ऐसे जिए हैं ना हमने कि फिर हम मतलब अमृतसर में सर ने इतना प्यार दिया, फिर लुधियाना में, फिर लुधियाना से हम लोग वापस आए, एक बार ऐसे कानपुर गए तो कानपुर में भी सर स्पेशल केयर, मतलब जब आपको ना ऐसा फील करवा देते हैं कई बार कि आप स्पेशल हो, और कई बार ऐसा सर आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, सर ऐसे आपको पास कर जाएंगे कि आप कहेंगे अरे क्या बात सर, नाराज है क्या मुझसे, पर सर ना कभी नाराज होते हैं ना, वो हमेशा खुश होते हैं। हमेशा खुश रहने वालों में से जो एक व्यक्ति, एक संत, एक महात्मा को होना चाहिए वो सर है। वो अगर गुस्सा भी हो रहे हैं ना तो असल में खुश होकर हो रहे हैं वो, क्योंकि वो खुश इसलिए हैं कि आज मैं इसको डांट रहा हूं तो ये बहुत कुछ सीख जाएगा। मैडम मैं आपको ऐसे ही एक पल की बताती हूँ, हम लोग कानपुर में गए तो हम लोग सब बैठे हुए थे, इतने में सर का के पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ मास्टर्स जो वहाँ के सीनियर लोग हैं वो सर से मिलने वाले, मिलना आना आ रहे हैं। सर ने कुछ नहीं बोले, सर ने एक इशारा करा बस, और इतना भी शायद मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे सर की तरीके से नहीं आता। मैडम उसमें शास्त्री सर भी थे, हम तो छोटे मोटे मास्टर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं शास्त्री सर भी थे उसमें। हम सब ऐसे जैसे ओबीडियंट बच्चे नहीं होते टीचर के, ऐसे चुपचाप सारे लाइन बनाकर कमरे में से बाहर निकले, सारे के सारे। ये नहीं कि शास्त्री सर भी वहाँ पर रुके हों कि मैं तो सबसे सीनियर हूँ मेरी क्या बात है मैं तो यहीं रुकूँगा। मैडम उस मोमेंट पे ना मैं बाहर आकर इतना रोई हूँ ना इस मोमेंट के बाद कि हम सर के इतने प्यारे बच्चे हैं कि हम सिर्फ सर के इशारे से हम सारे के सारे बाहर आ गए। हम में से किसी ने एक नहीं जिद भी नहीं करी कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो हम नहीं करते ये, इस पर तो हम पहले बैठे हैं, मैं क्यों उठूं, कोई नहीं। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, हमारी और मास्टर्स की बात छोड़ दीजिए, उसमें शास्त्री सर भी थे, सब बाहर आ गए, शास्त्री सर भी नहीं रुके, और मैं इतना रोई उसके बाद, इतना रोई कि मुझे उस इमोशन को ने टच कर लिया कि एक इशारा भर इनका काफी है। सर सिर्फ उंगली से ऐसे करते थे और पूरे सारे मास्टर्स हिल जाया करते थे, सिर्फ सिर्फ इतनी सी उंगली होती थी उनकी, ये दो ये बस, इसके अलावा वो तीसरा इशारा नहीं करते थे, ये आंख से करते थे हल्का सा, मुंह से तो बहुत कम करते थे। तो हम लोगों के लिए ना वो सब जो मोमेंट्स है ना वो बहुत प्यारे हैं। मैं आपको इसी तरीके का एक बार बताऊं कि सर के ना घुटने में लग गई थी कुछ, कहीं किसी वजह से घुटने में जैसे निकलते हुए टेबल लग गई थी, तो प्रोग्राम था हमारा, शास्त्री सर कहीं फिर वो थे तो सर मेरे पैरों पे सर ने अपने पैर फैला रखे थे जैसे लेटे हुए, पैर मेरे पैर में थे तो सर के उसमें दर्द हो रहा था, हम सर के पैर वगैरह दबा रहे थे तो सर उठे ना करके जैसे उठे ना तो मैंने कहा सर बहुत दर्द हो रहा है, मतलब सर कभी नहीं बोलते सर, जैसे वो नहीं अपने घर के बड़े लोग, हाँ वो तो रहा है सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं कहा सर जरा सा कुछ लगा दो,
मैडम मुझे उस दिन वो फीलिंग आई जैसे दादा और पोती का रिलेशन होता है ना, बाबा और पोती का। मैंने सर से फिर शेयर भी करा, मैं कहा सर आज मुझे ना फ्रेंड लग रहे हो, ना पापा लग रहे हो, ना फादर लग रहे हो, मुझे आज आप ग्रैंडफादर लग रहे हो। कि जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों का जो रिलेशन होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है। उसमें केवल प्यार होता है और कहीं कुछ नहीं होता, ना उनको कुछ चाहिए होता है, ना बच्चे को कुछ चाहिए होता है, दोनों को सिर्फ प्यार और अफेक्शन चाहिए होता है। वो रिलेशन मैंने उस दिन फील करा और मैंने उसके बाद हमेशा सर से, मैं कहा सर मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि बस अब आप मेरे बाबा हो और कुछ भी नहीं। और सर सर ने कर, और मजेदार जब मैंने सर से शेयर करा तो सर ने कहा, सिर हिलाया सर ने, कितने सरलता से ना, सरलता से बहुत सरल। तो वो आपको फील करवाते थे कि मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। और वो फीलिंग हर पल बनी हुई है। हर वक्त तो सर फिजिकल नहीं रहते थे ना हमारे जी, साथ जी, जी। ये फिजिकल उनकी अपीयरेंस हमारे सामने है, सर तो घूमते रहते थे, साल में एक बार दो चार दिन को आ गए तो आ गए, बहुत बड़ी बात होती थी वो भी। जैसे आज हम कहें फिजिकल नहीं है सर, तो आपको कैसा अनुभव होता है, कभी ऐसा लगा उनके ना होने का एहसास? मैडम सर बॉडी से जाने से पहले चंडीगढ़ आए थे, जब हमको पता चला कि सर चंडीगढ़ आ रहे हैं तो हम चंडीगढ़ पहुंच गए। हम भी जैसे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए वाला हिसाब हमारा था कि सर अगर आसपास होते थे तो हम पहुंच, पता नहीं उड़कर पहुंच जाते थे, कैसे पहुंचते थे हम पर पहुंच जाते थे। तो हम चंडीगढ़ पहुंच गए, सर से वहां मेरा मिलना हुआ, सर से कमरे में मैं मिली तो मेरे से एक कमी रह गई, मेरे से एक गलती रह गई जो मुझे बाद में एहसास हुआ, पर अब तो समय निकल गया। तब मैं सर के पास गई तो मैं आपको शेयर करा कि मैं सर से बोल लेती हूँ, पर जब तक सर का इशारा नहीं होता तब तक हम नहीं बोलते। सर जब इशारा करते हैं कि आप बोलो कुछ कहो तभी हम बोलते हैं। तो सर लेटे हुए थे तो सर ने इशारे से मुझसे बुलाया और कहा हाँ और क्या। तो मैंने कहा सर बेड पर, जैसे मैं इस साइड थी और सर उस साइड लेटे हुए थे, तो मैंने कहा सर मैं आ जाऊँ? सर कह रहे हैं हाँ आ जाओ। तो मैडम मैं आराम से घुटनों के बल नहीं चलती हूँ, मतलब अब मुझे घुटनों के बल चलने में जैसे बच्चे चल लेते हैं, मैं ऐसे नहीं, मैं आराम से घुटनों के बल, सबसे पहली बात तो यहाँ से वहाँ तक चले गए 5 फुट तो चली होंगी, 4-5 फुट तो चली होंगी ना, तो बेड 6 फुट का तो होता ही है, इतना तो चली मैं बड़े आराम से। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं घुटनों के बल चल के गई हूँ, मैं घुटनों के बल चल के गई। फिर मैंने सर से शेयर करा, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल रास्ते का धूल की भी और भी छोटा कण, जिसको आपने, मैं आपको पता है शायद कि मैंने नमस्ते पीएमसी करा और लोगों ने पसंद भी करा, तो मैंने कहा आपने उस धूल को अपने जो मुकुट में जड़कर हीरा बना दिया। तो मैंने कहा सर आपने तो पता नहीं हमें क्या बना दिया, हम तो कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण घर की साधारण लड़की, उस क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं, कौन मेरे को जानता। मैंने कहा पता नहीं कितने लोग जानते हैं। तो सर मेरा इच्छा है कि मैं आपको, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहती हूँ। सर चुप हो गए और मैं वो चुप्पी नहीं समझ पाई, मैं सर को नहीं कर पाई। मुझे बाद में मैंने कई मास्टर से, उन्होंने कहा उनके चुप का मतलब ये था कि कर लो, और वो मेरे से रह गया। तो वो मुझे, इसलिए मैंने वो, फिर मेरे को जब पत्री माँ से मिली, मैं पत्री मैम से मिली, तब मैंने फिर उनके साथ शेयर करा और मैंने कहा मैम वहाँ तो मेरे से रह गया, आज मेरा फिर मन कर रहा है मैं अब आपके कर लूँ। कहेंगे अच्छा कर लो। मैंने कहा तो मैंने, ठीक है मैंने पत्री मैम के ऐसे ही साष्टांग कर लिया, उनके पैरों को चूम भी लिया, सब कुछ कर लिया, पर पत्री सर का रह गया। तो वो मेरे मन में एक कसक रह गई, जैसे और कोई कसक नहीं है मेरे मन में कुछ भी, पर वो कसक रह गई। फिर उसके बाद सर दिल्ली आए, लद्दाख गए, लद्दाख तो हम लोग नहीं गए थे, हम पहले गए थे सर के साथ लद्दाख। उसके बाद सर दिल्ली आए। मैडम दिल्ली का भी मैं आपको क्या बताऊं कि
मैं सर के पास गई पहले, तो सर ने अच्छी तरह अच्छे हाँ आने दिया सर ने कमरे में, पैर वैर भी सर के दबाए, पैर दबाए वैर तो नहीं कहना चाहिए, पैर दबाए सर के, सब कुछ करा, सब ठीक था। उसके बाद क्या पता नहीं क्या हुआ कि मैं सर के कमरे में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, और भी बहुत लोग बैठे थे, अमूल्या वगैरह बैठी थी, तो अमूल्या ने मुझे हल्का सा हिलाया कि बाहर जाओ सर कह रहे हैं, तो सर ने इशारे से कहा बाहर जाओ, मैं बाहर चली गई। सर की बात को मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसके बाद सर ने मुझे कमरे में नहीं एंटर होने दिया। मैं मतलब वो वाला हिसाब हो गया कि मैं जैसे जरा सा खोल कर ना यूं देखती, सर अच्छे खासे सो रहे होते आंखें बंद, और सर एकदम आकर पता नहीं क्या हो गया। आपको अपने मन में ऐसा लगता है क्या चीज इन्होंने अंदर की पकड़ ली जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मैं जाकर पत्री मैम के पास बैठ जाती थी, पत्री मैम से बात करती रहती थी, ये करती रहती थी। फिर पत्री सर ने बॉडी वेकेट कर दी। मैडम फिर समझ में आया कि पत्री सर मुझसे ये कह रहे थे कि मैं अब जा रहा हूँ, तुमको मैं पत्री मैम की गोदी में देके जा रहा हूँ। ओहो कितना बड़ा मैसेज दिया उन्होंने, कितना बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, जब नहीं समझ में आया, और जब भी बहुत दिन बाद समझ में आया, और जिस दिन समझ में आया तब मैंने पत्री मैम से शेयर किया। आपके अंदर से आया, अंदर से आया, किसी ने कहा नहीं मुझसे, मेरे अंदर से आया, आपके अंदर से आया। हाँ कि वो जो मतलब आप ये देखिए ना कि सर आंख बंद करके लेटे हुए हैं, और आप जरा सा इशारा करके सोच रहे हो कि इस समय तो जा सकते हो भाई, आंख बंद करके लेटे हुए तो जरा सा चले जाओ, जब ही आंख खोल लेते भैया ऐसा क्या हो गया। आपको तैयार कर रहे थे एक तरीके से, तैयार कर रहे थे कि अब आदत डालो, अब आदत डालो, अब पत्री मैम के पास जाना है। मुझे कई महीनों बाद ये बात समझ आई कि, और उस बार क्या होता था, सर नहीं बैठने दे रहे थे अपने पास, तो मैं जा, क्योंकि मैम दूसरे कमरे में थी, मैं जाकर वहां बैठ जाती थी, और वो अपनी तेलुगु में बातें कर रही हैं, सब तेलुगु लोग हैं तो तेलुगु में बातें कर रही हैं, मुझे एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ रहा है, और मैं ऐसे बैठी सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या बातें कर रहे हो, क्योंकि तेलुगु का हमको तब ही नहीं आता, तो हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझ सकते हम तो, पर हमको अच्छा लग रहा है। मैं बैठी हूँ, सब मास्टर्स बाहर बैठे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं पत्री मैम के कमरे में बैठी हूँ और बस उनको ताक रही हूँ। वो क्या था वो बहुत बाद में मैंने, मैं आपको यही शेयर करा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा कि पत्री सर की बहुत सारी करनी ना हम बाद में समझ पाते हैं, जब वक्त आता है तब समझ में आती है, एकदम नहीं समझ में आती। तो सर के साथ तो मैडम फिर सर चले गए, 23 जुलाई को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि सर सब मास्टर्स को याद कर रहे हैं। मैडम हक्कर बक्की रह गई, और उस समय किसी को ये होश नहीं था कि वो किस तरीके से और किस कैसे जाएगा, बस जाएगा, जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। टिकट वो 5,000 के 50,000 के मिल रहे हैं, या 50,000 वाले 5,000 के मिल रहे हैं, वो तुमको ज़मीन में बैठा के ले जा रहे हैं, या बिल्कुल रॉयल सीट पर बैठा रहे हैं। किसी मास्टर को इस बात से मतलब ही नहीं था, बस जाना था, बस जाना था। सबने आनंद फानन में टिकट्स करवाए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमारे को 23 तारीख को दोपहर में पता चला, हमने 12-1 बजे टिकट करवाए, और सुबह 5-6 बजे की फ्लाइट से हम लोग 24 तारीख को निकल गए। हम 12-1 बजे के करीब हम कर्नूल पहुंच गए थे पिरामिड में, और तब हम सर से मिल लिए, हमने सर को देख लिया, हमने सर को जान लिया। वो जो हमारे सर हैं उनको उन क्षणों को हमने पी लिया, क्योंकि ये उस एहसास तब भी नहीं आ रहा था, तब भी ये अंदर से ये फील नहीं था कि जा रहे हैं, कि ये कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो करामात कर देंगे। सर के पास तो बहुत सारी करामात है, पर सर करामात ही कर गए। मेरे साथ जो मेरा ग्रुप था वो सब पिरामिड में चले गए उस समय, 5 बजे से थोड़ी देर पहले हम लोग जहाँ बैठे हुए थे वो लोग पिरामिड में। मैं कह नहीं, मैं पिरामिड में जा रही, मैं वहाँ जाकर बैठूंगी, और बस फिर एकदम पता चला। और उस समय मेरे सामने जो मास्टर आया, मैं ऑलमोस्ट आप
मैं शेयर कर सकती हूँ ये बात कि मैं उस समय उससे लड़ ली कि क्यों चले गए सर, पहले शास्त्री सर चले गए या पत्री सर चले गए, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हम असल में, मैं सच बताती हूँ आपको, हम दो ही मास्टर्स को असल में जानते थे, नॉर्थ के शास्त्री सर और पत्री सर, तो पत्री सर हैं, तो दोनों को ऐसी क्या जल्दी मची थी कि एक साल में दोनों ने हमको छोड़ दिया। मैं कहा अगर शास्त्री सर मिलेंगे तो हम लड़ाई करेंगे उनसे, कि खुद तो गए थे ऊपर, साथ में पत्री सर को भी बुला लिया। मतलब उस समय ये चल रहा था मेरे अंदर कि ये क्यों करा शास्त्री सर ने, पत्री सर को क्यों बुला लिया, ये थोड़ी कि वो अकेले थे तो हमको अकेला कर गए। मतलब ऐसे मैं सच बताऊं, मैं अंदर से मैं उनसे ऐसे लड़ रही थी शास्त्री सर से कि आपने ये अच्छा नहीं करा, ये तो अच्छा नहीं करा, इतना अच्छा करते थे पर ये अच्छा नहीं करा कि पत्री सर को अपने पास बुला लिया। हमें पता है आपको उनसे बहुत प्यार था, उनको आपसे बहुत प्यार था, पर एक साल में ही बुलाने की क्या होती। पर वो उस मोमेंट के जो हमारी फीलिंग्स थी वो थी, पर आज उनको हम हर पल जी रहे हैं, वो हमारे पास से, आप अभी भी मेरे से कहेंगे तो सर मेरे पास ही बैठे, ये जितना कुछ भी मैंने बोला है ये उन्हीं की आज्ञा लेकर उन्हीं की एनर्जी के साथ मैं आपको बता पाई हूँ, नहीं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी शक्ति नहीं है, सारी शक्ति उनकी है, सब कुछ उनका है। वो आज एक पल लगेगा, अगर वो एक पल में वो अगर ये कह दें कि विभा तुमसे, तो आज जो आप कहती हैं कि विभा आपने बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं या आप बहुत अच्छी बोलती हैं, वो विभा आपको ऐसी मिलेगी जैसे बिल्कुल रोती हुई ज़मीन पे। ये सब पत्री सर हैं और कुछ भी नहीं, मुझे तो अपने अंदर से ये फील आती है। अद्भुत अद्भुत है आपके अनुभव, अद्भुत है मैडम, आप बोल रहे हैं मैं इसको फील नहीं महसूस, गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को सुन के, तो कुछ ना कुछ तो है। नहीं नहीं सब कुछ है जो आप बोल रही हो, वो सब कुछ मैं अनुभव कर पा रही हूँ। तो अब पत्री सर हमारे बीच नहीं है, और पत्री सर की यात्रा आपके थ्रू हमारे थ्रू चलनी है, तो आप उस यात्रा को आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं जो पत्री सर से अभी नहीं मिले हैं फिर भी उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सत्य के साथ रहना। देखिए सत्य ऐसा हो सकता है, मेरा सत्य या आपका सत्य नहीं, मेरा सत्य कुछ भी हो सकता है। मेरा सत्य ये है कि मुझे लाल रंग की साड़ी पसंद है, पर ये यूनिवर्सल सत्य नहीं है। आपको येलो कलर पसंद है, ये आपका सत्य है, पर जो यूनिवर्सल सत्य है, जो पत्री सर का सत्य है, वो सत्य है असल में। तो हमें उसके साथ रहना है, और जब हम सत्य के साथ रहते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि सब कुछ अपने आप घटित, सर को आप हर पल महसूस करेंगे, आपको सर हर पल गाइड करेंगे। ऐसे ऐसे मास्टर जिन्होंने कभी नहीं देखा, 15 दिन पहले मेडिटेशन में आए हैं, वो सर को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे पास यहाँ बैठे हमको समझा रहे हैं, सर हमारे कमरे में आकर हमको समझा रहे हैं, सर हमारे को पिरामिड में ले गए। वो कैसे, कौन है वो लोग, वो तो देखे भी नहीं, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पत्री सर की फोटो भी नहीं देखी, और जब वो बाद में देखते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो पत्री सर ही है, यही तो हमको बुजुर्ग दिख रहे थे जो हमको गाइड कर रहे थे। तो पत्री सर को आपसे क्या चाहिए, हमसे क्या चाहिए, हम पीएसएसएम मास्टर से क्या चाहिए उनको, केवल सत्य, केवल ध्यान, केवल ध्यान प्रचार, केवल स्वाध्याय। क्यों सर ने कभी ये नहीं कहा केवल मेरी बुक्स पढ़ो, सर तो कह सकते थे, कोई भी बुक्स लिखता है तो वो यही चाहता ना, मेरी बुक तो पढ़ी जाए खूब अच्छे तरीके से, इतनी 60 बुक्स लिखी उन्होंने, कोई छोटी बात तो नहीं है ना मेरे। पर सर ने तो कभी नहीं कहा, सर और की बुक्स, अपनी बुक्स तो कभी रिकमेंड ही नहीं करते थे वो पता नहीं सारे ऑथर्स की बुक्स रिकमेंड कर देंगे, आप उसकी पढ़िए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप वो किताब पढ़िए, माइंड टू मैटर पढ़िए, आप कितनी लोक संग्रह रामपा की बुक है यू फॉर एवर जिससे उनको एनलाइटमेंट मिली, मतलब ऐसी कितनी सारी बुक्स हैं जो सर बताते हैं। तो
सर का ना बताना, हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर हम सत्य के साथ रहेंगे तो सर के साथ हैं। अगर हम सत्य से जरा भी डगमगा गए ना, सर ने सीसीटीवी कैमरा मैडम हमारे चारों तरफ लगा रखा है, हमारे अंदर भी लगा रखा है, हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप मेरे सामने आई तो मैंने आपसे बहुत अच्छे तरह मिली, मैंने आपको चाय कॉफ़ी भी बहुत अच्छे से पूछी, आपको खाना भी बहुत अच्छे से खिलाया, पर मैं अंदर से बहुत गुस्से में हूँ। वो जो अंदर वाला है वो सर की पकड़ में आ जाता है, तो वो आपको ऊपर से भी रिएक्ट नहीं करने देते, रिस्पॉन्ड नहीं करने देते। मैंने, मेरा ये अनुभव है कि चाहूँ भी ना कि आपके लिए मैं सोच कुछ रही हूँ और करूँ कुछ, तो मुझे सर नहीं करने देते। सर कहते अगर अंदर गुस्सा है तो बाहर निकालो, और वो निकल जाते। ड्यूअलिटी से एकत्व में जाना, एकत्व, वननेस में रहना सर ने सिखाया। तो मैडम मैं तो अपने व्यूअर्स से भी यही कहूंगी कि अगर आप सत्य के साथ रहेंगे तो आप यकीन मानिए सर आपके बिल्कुल बराबर में आकर बैठे रहेंगे सदा। सर वो कृष्ण है, जैसे कृष्ण जी ने नहीं करा कि वो हर गोपी को ये लग रहा है कि वो मेरे साथ रास कर रहे हैं, राधा को अलग लग रहा है, सारी गोपियों को लग रहा है, पर कृष्ण तो एक थे, फिर सबके साथ कैसे रास कर सकते थे। पर उन्होंने करा ना, सबने अनुभव करा, सब गोपियों ने फिजिकली ये अनुभव करा कि हर, तो ऐसे ही पत्री सर हैं कि वो सबके साथ हैं। मैंने एक बार सर से शेयर भी करा था ये बात। क्या बोला था? मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं राधा हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं राधा हूँ या नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि आप कृष्ण हो। मैं, या शायद मैंने ये पूछा था कि सर मुझे नहीं पता कि मैं राधा हूँ या गोपी हूँ, पर आप कृष्ण हो। तब हम लोग मसूरी के टूर पे गए थे, तो मैं बस में बैठे हुए थे सर, तो मैं पास से पास कर रही थी बस के आगे से, तो सर ने मुझे इशारे से बुला के बस में अपने पास बैठा के बात करी थी, पूरी बस खाली थी, सब घूमने गए हुए थे। तो तब मैंने सर से ये बात शेयर करी थी, तब सर ने कहा था कि कृष्ण, राधा और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। सर ने थोड़ी सी बात में मेरे को सारी बात समझा दी थी। कृष्ण थे, कृष्ण सर हैं, सर ने ये उसको मना नहीं करा, मुझे मालूम है सर कृष्ण है। जिस तरीके से सर लीलाएं कर रहे हैं बिल्कुल, और करते आ रहे हैं, वो कृष्ण के अलावा कोई कर, राधा श्री राम ने लीला नहीं करी, लीला केवल कृष्ण ने करी। 16 कलाओं में निपुण कौन था? कृष्ण। बांसुरी कौन बजाता था? कृष्ण। तो सर कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे अंदर की भावना बताती हूँ मैं, किसी और के बारे में बात नहीं करती कि कोई और क्या अनुभव करता है, पर मुझे सर कंप्लीट कृष्ण लगते हैं, और हम सब उनकी गोपियां हैं, चाहे वो जेंट्स हैं या लेडीज हैं। इसका जेंडर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हम जितने हैं, जितने पीएसएस हैं, मास्टर्स हैं, हम सब सर की गोपियां हैं। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत और रोचक यात्रा है मैडम आपकी, सुन के मैं अभिभूत हो गई, और दर्शकों को भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो इस अत्यंत रोचक और मन भावन यात्रा के लिए आपको सच में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप पत्री जी के साथ इतना अच्छा समय बिता पाएं। और जिसको सुन के हमें लगता है कि हम भी एक बहुत अच्छे दौर में गए और हम उसको अनुभव कर पाए, उसको समझ पाए, उसको सुन पाए, और इतना हम महसूस कर पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैडम, आपने ये मुझे ये पल जीने का दोबारा से मौका दिया। जो पत्री सर के साथ जिए, आपसे बात करते हुए मैं उन पलों को दोबारा से जी रही थी, मैं कुछ जी रही थी। बहुत ही सुंदर यात्रा है आपकी, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, आज हमने जाना विभा जी से उनके अनुभव कि पत्री जी की हर बात से हम कुछ सीख सकते हैं, हम कुछ समझ सकते हैं, हमें अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, हमेशा बच्चा बना रहना चाहिए, अगर हम बच्चे की तरह सोचेंगे तो जल्दी सीख सकते हैं। और हर एक चीज़ में वो रोल मॉडल की तरह आपको समझा के जाते थे, और क्या सुंदर जर्नी है मैडम की, कि हमें लगता है कि काश हम भी पत्री जी के साथ होते और उस सबको जी पाते। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। नमस्कार। BMC,
बदले जीवन।